यूक्रेन रूस के युद्ध ने पूरी दुनिया की बढ़ाई परेशानी। रूस पर लगे प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं व्यापार संकट। युद्ध से बढ़ी महंगाई की मार। यूक्रेन रूस युद्ध ने दोनों देशों की बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। जहां यूक्रेन में रूसी हमले के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, इसके साथ यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, इमारतें पूरी तरह से खंडहर हो चुकी हैं, वहीं सड़कें और संसाधन बर्बाद हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर होने के साथ ही लोगों के पास खाने पीने की भी कमी होने लगी है। वहीं रूस की मनमानी ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये युद्ध रुक भी गया तो भी यूक्रेन को इन सब नुकसानों से उबरने में सालों लग जाएंगे। युद्ध के कारण यूक्रेन के साथ रूस का भी आर्थिक नुकसान काफी हो चुका है। रूस के लिए भी युद्ध का लगातार जारी रहना घातक साबित होगा। जंग में दोनों देशों पर सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों के व्यापार भी काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। जंग के कारण आयात निर्यात नहीं हो पा रहे हैं, जिससे देश की आय खत्म होती जा रही है। इसके साथ ही रूस पर इस युद्ध के आगामी परिणाम और भी घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन प्रतिबंध के चलते रूस किसी भी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात नहीं कर सकता। अगर भविष्य में ये प्रतिबंध लागू रहे तो आने वाले समय में रूस को फिर से सोवियत संघ के समय की जैसी दशा का सामना करना पड़ सकता है। रूस के प्रतिबंधों से जहां उसे नुकसान है, उसके साथ ही उससे जुड़े देश जो रूस से उन वस्तुओं का आयात कर उन्हें भी भारी नुकसान होने की संभावना बन रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके चलते रूस से आयात की जाने वाली वस्तुएं प्रभावित होने वाली हैं। कच्चा तेल, गैस, गेहूं, हथियार सहित टाइटेनियम के निर्यात में रूस का बड़ा भाग है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण ये निर्यात आयात प्रभावित होगा। इसके साथ ही अमेरिका और यूरोप ने रूसी रईसों और अन्य संस्थाओं पर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन रूसी कमोडिटी निर्यातक VSMPO AVISMA पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, जो बोइंग और एयरबस को टाइटेनियम की आपूर्ति करता है। यहां आपको बता दें कि बोइंग एक विमान निर्माता कंपनी है। एयरबस के मुताबिक उनकी कंपनी टाइटेनियम की आपूर्ति के लिए 50% रूस पर ही निर्भर है, जबकि एक अमेरिकी उद्योग सूत्र ने बताया कि रूस की VSMPO AVISMA कंपनी बोइंग की जरूरतों का एक तिहाई मुहैया कराती है। इस बीच कुछ रूसी बैंकों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली स्विफ्ट से भी अलग कर दिया गया है। ये कदम टाइटेनियम सहित कई रूसी निर्यातों की आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है। यहां आपको बताते हैं कि टाइटेनियम धातु आखिर है क्या और ये किस में इस्तेमाल की जाती है। टाइटेनियम स्पंज कीमती धातु टाइटेनियम खनिज कणों से बनता है और इसका इस्तेमाल कई उद्योगों में किया जाता है। इस धातु का इस्तेमाल मुख्य रूप से एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है। विमान के लैंडिंग गियर और विमान के ब्लेड के अलावा इसका उपयोग टर्बाइनों के निर्माण में भी किया जाता है। समुद्री उद्योग में टाइटेनियम शीट का इस्तेमाल जहाज और पनडुब्बियां बनाने के लिए किया जाता है और ऑटो क्षेत्र में इसे इंटरनल कंबशन इंजन के पुर्जे तैयार करने के लिए किया जाता है। धातु की रक्षा के अलावा ये तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसका इस्तेमाल मानव जोड़ों के लिए कृत्रिम विकल्प के निर्माण और दंत प्रत्यारोपण में भी किया जाता है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पिछले साल वैश्विक टाइटेनियम उत्पादन 210,000 टन था, जिसमें चीन का 57% हिस्सा था और वो पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर जापान रहा, जिसमें उसकी उत्पादन क्षमता 17% थी। तीसरे स्थान पर रूस रहा, जहां इसका 13% उत्पादन रहा। इसके साथ ही कजाकिस्तान ने 16,000 टन टाइटेनियम का उत्पादन किया था। इन सब में यूक्रेन का भी अच्छा खासा योगदान रहा था। यूक्रेन ने 3,700 टन टाइटेनियम का उत्पादन किया था। बैंक से लेकर वोदका तक रूस का लगाव बढ़ रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि रूस का टाइटेनियम भंडार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके व्यापार को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। USGS का कहना है कि पिछले साल 2021 में यूक्रेन टाइटेनियम खनिज का प्रमुख स्रोत था, जिसे रूस से आयात किया गया। वियतनाम और मोजाम्बिक समेत कुछ अन्य देशों में भी इस खनिज संपदा के भंडार हैं। USGS का अनुमान है कि यूक्रेन ने पिछले साल 5,25,000 टन टाइटेनियम खनिज सांद्र का उत्पादन किया था। टाइटेनियम के प्रमुख आयातक आयात और निर्यात कंसल्टेंसी CRU का कहना है कि चीन टाइटेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसने पिछले साल 16,000 टन से अधिक टाइटेनियम स्पंज खरीदा। अमेरिका ने 2020 में 19,000 टन ऐसे स्पंज का आयात किया, लेकिन एक साल बाद 2021 में यह आयात घटकर 16,000 टन हो गया। जापान, चीन और अमेरिका को सबसे अधिक टाइटेनियम स्पंज निर्यात करता है। CRU के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद निर्माण और विमानन उद्योगों में हालिया सुधार ने टाइटेनियम स्पंज की कीमत बढ़ा दी। वहीं युद्ध के बाद ये परेशानी और बढ़ने वाली है। युद्ध के चलते टाइटेनियम से जुड़े उद्योग पर प्रभाव पड़ने वाला है, जिसके दूरगामी परिणाम नकारात्मक दिख रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था फिलहाल कोरोना महामारी की मार से ठीक से उबर भी नहीं पाई है। महामारी का कारण बहुत से देश की अर्थव्यवस्था पहले ही लड़खड़ा रही है, वहीं अब ये युद्ध आर्थिक संकट को और बढ़ा देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध किसी अर्थव्यवस्था के लिए उस बम विस्फोट के समान है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में सालों लग जाते हैं। कभी कभी यह परिणाम इतना भयानक होता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म ही हो जाती है। वर्तमान में रूस ने भले ही यूक्रेन पर हमला किया हो और यूक्रेन के ना चाहने के बाद भी वो युद्ध करने के लिए सीमा पर खड़ा हो, लेकिन उसके दुष्परिणामों से दोनों ही नहीं बच पाएंगे। इस युद्ध को लेकर यूक्रेन और रूस दोनों ही बर्बादी की राह पर चल पड़े हैं। अगर ये नहीं रुके तो जाहिर है ये दोनों देश तो बर्बाद होंगे ही, साथ ही इनसे जुड़े देशों पर भी काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा जिसे रोका नहीं जा सकता। आने वाले इस आर्थिक संकट के लिए जरूरी है कि रूस को चाहिए कि वो अपने हठ धर्मिता को छोड़कर कूटनीति का रास्ता अपनाए जिससे विश्व पर आने वाले संकट को रोका जा सके, चाहे वो परमाणु युद्ध को लेकर हो रही आशंका हो या फिर आने वाले वैश्विक आर्थिक महासंकट।